हमारा बुक का जो न्यूज फ्लेवर्स आया है वही मैं आपको करा रहा हूं, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चों ये हमारा कोई क्वेश्चन है तो हम क्या काम करेंगे बच्चों, इसको इसका करना है बच्चों हमें डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, देखिए यहां पर लिखेंगे पहले हम, ये हमारी कॉमन लाइन है जो सभी में लिखी जाएगी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। बच्चों ये हमारी कॉमन लाइन रहेगी, लिखेंगे dy अपॉन dx cos x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आया बच्चों, इसके बाद अभी आगे इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। cos का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस साइन, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर जो हमारा ये वाला वैल्यू है या जो ये फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बच्चों ये आएगा तो माइनस साइन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन किया बच्चों, x स्क्वायर का आएगा 2x प्लस a हमारा कांस्टेंट है, जब हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो जीरो आएगा बच्चों, ये हमारा जीरो आएगा, ये 2x पहले आ जाएगा, माइनस 2x साइन x स्क्वायर प्लस। ओके बच्चों क्लियर है सबको? यस सर। यस सर क्लियर है। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, नोट कर लेंगे सब बच्चे। वीवो लव कौन है, अपने आप को डिस्प्ले करो। e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5, यह क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों इसको भी लिखेंगे हम ऐसे ही, dy अपॉन dx रूट ऑफ e रेस टू x प्लस 2 और प्लस 5। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, मैंने आपको पीछे बताया था dy अपॉन dx रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था मैंने, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग ये हमारा जो पूरा दिया गया है e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 हमारा x है, तो इसके अकॉर्डिंग ये लिखा जाएगा बच्चों 1 अपॉन 2 रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 और प्लस 5। इसके बाद बच्चों जो रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। तो बच्चों इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे आप, तो आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए रेस टू 3x प्लस 2 का आएगा बच्चों
रेस्ट टू 3x प्लस 2 और 5 कांस्टेंट है इसका जीरो हो जाएगा और dy अपॉन dx 3x प्लस 2 इसके बाद 1 अपॉन 2 रूट ऑफ e रेस्ट टू 3x प्लस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बच्चों ये रहेगा हमारा e रेस्ट टू 3x प्लस 2 और 3x का होगा 3 3 यहां आएगा बच्चों तो 3 e रेस्ट टू 3 प्लस 2 अपॉन 2 रूट ऑफ e रेस्ट टू 3x प्लस 2 प्लस 5 ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सबको क्लियर है बच्चों यस सर सब बच्चे नोट कर लेंगे जब आपका क्वेश्चन नोट कर लिया जाए तो प्लीज बोल दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन हो गया ओके बच्चों अरे बोलो यस सर नो सर यह है बच्चों log 10 x y 2 log 10 x y 2 बच्चों ये क्वेश्चन है हमारा इसको लिखेंगे dy upon dx log 10 x y 2 तो बच्चों एक बार इसका पूरेगा करेंगे इसे x मानेंगे एक सेकंड के लिए ये हमारा हो जाएगा log x और log x का जब डेरिवेटिव करते हैं तो आता है 1 upon x तो उसी के अकॉर्डिंगली आ जाएगा बच्चों 1 upon x y 2 इसके बाद बच्चों करेंगे dy upon dx 10 x y 2 फिर 10 x y 2 को करते हैं बच्चों तो आता है sec square x y 2 sec square x y 2 upon 10 x y 2 multiply dy upon dx x y 2 तो x y 2 का आएगा बच्चों 1 upon 2 sec square x y 2 upon 10 x y 2 लिखा जाएगा dy upon dx root of and root x बच्चों इसका डेरिवेटिव करेंगे आप लोग डेरिवेटिव आएगा 1 upon 2 root 10 root x फिर जो 10 root x है बच्चों इसका करेंगे dy upon dx 10 root x और 10x का आता है sec square x तो 10 root x का आएगा बच्चों sec square root x लिखा जाएगा sec square root x upon 2 root 10 root x इसके बाद बच्चों ये हमारा root x है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो root x का आएगा 1 upon 2 root x तो ये हो जाएगा बच्चों sec square root x upon 2 10 root x multiply 1 upon 2 root x अब बच्चों 2 का multiply 2 से करेंगे आएगा 4 तो 1 upon 4 root x root 10 root x into x square root x फाइनल आंसर आएगा ओके बच्चों अरे बच्चों सबको समझ में आया हाँ सर नोट कर लो बच्चों
अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सिक्स पार्ट है, फाइव रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस, ये क्वेश्चन है बच्चों। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, शायद आपको ध्यान हो, dy अपॉन dx a रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इक्वल टू a रेज टू x log a, याद है बच्चों? हाँ सर। तो इसी से बच्चों हमें आगे करना रहेगा, तो इसको dy अपॉन dx साइन क्यूब एक्स, ये बच्चों फाइव रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो आएगा बच्चों फाइव रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री इंटू लॉग फाइव। अब जो बच्चों बता हुआ है साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री, इसका डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx साइन क्यू एक्स प्लस थ्री बच्चों आएगा फाइव रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई लॉग फाइव, लॉग फाइव लिखेंगे। इसके बाद बच्चों साइन क्यूब एक्स का करेंगे तो आएगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स और dy अपॉन dx साइन एक्स, और बच्चों थ्री हमारा कांस्टेंट है, जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा जीरो, इसको लिखेंगे बच्चों log 5 को मैंने पहले ले लिया, log 5 इंटू फाइव रेज टू साइन क्यूब एक्स प्लस थ्री इंटू थ्री साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, सबको क्लियर है बच्चों? अरे बोलो यस सर। यस सर। जब हो जाए तो अंगूठा दिखा देना मुझे, ठीक है? जो हमारा रूट कॉस एक्स है इसको आप एक्स मानो एक मिनट के लिए, चलिए इसको डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स रूट कॉस एक्स। बच्चों पीछे से आपकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लेंगे बच्चे। बच्चों कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम होगा dy अपॉन dx, कॉस एक्स होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, तो इस फॉरवर्डिंग इसको किया जाएगा बच्चों, ये होगा माइनस कॉस एक्स रूट कॉस कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, और dy अपॉन dx रूट कॉस एक्स क्या आएगा बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट माइनस कॉस एक्स रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, और बच्चों रूट कॉस एक्स का आएगा वन अपॉन टू
root cos x और derivative of cos x. cos x का derivative बच्चों आप जानते हैं minus sin x होता है. अभी लिखेंगे minus cos x root all into cot root cos x multiply 1 upon 2 root cos x multiply minus sin x. माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, यह आएगा साइन एक्स कॉस एक्स रूट कॉस एक्स कॉट रूट कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब माइनस फाइव. ये क्वेश्चन है बच्चों, एक सेकंड के लिए इसको एक्स मानेंगे. तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा dy अपॉन dx log cos x क्यूब माइनस फाइव बच्चों इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन cos x क्यूब माइनस फाइव dy अपॉन dx cos x क्यूब माइनस फाइव. बच्चों cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये होगा माइनस साइन x क्यूब माइनस अपॉन cos x क्यूब माइनस फाइव और dy अपॉन dx x क्यूब माइनस फाइव. बच्चों फाइव हमारा कॉन्स्टेंट है, जीरो होगा, एक्स क्यूब का होगा थ्री एक्स स्क्वायर. और बच्चों साइन अपॉन कॉस होता है टेन के इक्वल, तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर टेन एक्स क्यूब माइनस फाइव. ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आएगा. ओके बच्चों सब लोग समझे? हाँ सर. थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है बच्चों. इसको लिखा जाएगा बच्चों डीवाई अपॉन डीएक्स ई रेज टू थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स. बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा है dy x e raise to x, बच्चों e raise to x होता है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों ये हमारा हो जाएगा e raise to 3 sin square x minus 2 cos square x. Thank you.
log 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 x upon log log x. अब बच्चों इसका डेरिवेटिव करेंगे dy upon dx log log x. इसको एक सेकेंड के लिए x मानेंगे बच्चों, तो आएगा 2 log 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 x upon log log x multiply 1 upon log x. अब बच्चों log x का डेरिवेटिव करेंगे तो log x का आता है 1 upon x, तो 2 upon ये वाला ले लेंगे बच्चों, इसका आएगा x 1 upon x log x. ये वाला बच्चों इसको लिखेंगे log log x, और ऊपर बच्चों ये रहेगा हमारा ब्रैकेट में log 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 x. ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आएगा. ओके बच्चों, किसी को कोई डाउट है क्या बच्चों? बच्चों जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, तो बच्चों ऐसी कंडीशन में देखो बच्चों 2 2 4 और 2 2 4 और 4 4 होगा बच्चों हमारा 8. कितना होगा बच्चों? 8 और x 8x sin x square cos x square. ये बच्चों आंसर आ जाएगा. प्लस x cube माइनस 5x माइनस 2 का होल पावर 4. ये है बच्चों क्वेश्चन. इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों dy अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का होल पावर 4. तो dy अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस dy अपॉन dx x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 की होल पावर 4. और यह पावर ये बच्चों हमारा क्यूब. बच्चों फॉर्मूला मैंने आपको बताया था dy अपॉन dx x रेस टू n होता है n x रेस टू n माइनस 1. इस फॉर्मूले को बच्चों इसमें भी अप्लाई करेंगे और इसमें भी ये 3 हमारा बच्चों पहले आएगा और आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 की होल पावर 2. अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये वाला प्लस बच्चों यहां रहेगा, ये हमारा 4 यहां आ जाएगा, तो 4 x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 की होल पावर 3. अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx x क्यूब माइनस 5x माइनस 2. यहां देखेंगे बच्चों ये बच्चों 3
एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, इसका जब डेरिवेटिव किया बच्चों आपने आया 2x प्लस 4 प्लस 4, ये लिखा रहेगा x क्यूब माइनस 5x माइनस 2, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे आएगा 3x माइनस 5। ओके बच्चों, ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर रहेगा। सबको क्लियर है बच्चों? हाँ सर, नोट कर लेंगे। लास्ट स्टेप बताओ ना फिर से एक बार। कौन सा बेटा? सेकंड लास्ट, ये वाला। बच्चों इसका क्या किया मैंने, अरे बेटा इसका पूरे का मैंने डेरिवेटिव कर लिया, तो थ्री मेरा पहले आ गया, उसमें से वन गया मेरा टू। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे यहां पर, उसी तरह से फोर पहले आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और फोर में से वन जाएगा तो थ्री आएगा, और फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ये, ठीक है। इसके बाद इसको तो ऐसे लिखा रहने देंगे, एक्स स्क्वायर का 2x होगा प्लस 4x का हो जाएगा 4, वन कांस्टेंट है जीरो होगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। एक्स क्यूब का होगा 3x माइनस 5x का होगा 5, और 2 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाएगा जीरो। सर इधर स्क्वायर और क्यूब आएगा ना? है बेटा? ये हाँ, स्क्वायर और क्यूब आएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये क्यूब आएगा, क्यूब, ये क्यूब आएगा बच्चों, और इस साइड स्क्वायर सर, और यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा। ये सेम ऐसे रखेंगे और इस पूरे को सेम यहाँ रखेंगे,